आरबन स्टार्ट करें इंडेमनिटी मैम एंड गारंटी। हाँ बोलो, मैम आप इंडेमनिटी एंड गारंटी स्टार्ट करेंगे अपन। इसके पहले जितने भी हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अब से हम जितने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, याद रखना। इसके पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़े थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, प्री कंसेंट, कंसीडरेशन, एग्रीमेंट, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये सब जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े थे ये सब किस में आते थे? जनरल कॉन्ट्रैक्ट में। अब से हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। इसमें हम पहला टॉपिक ले रही हूँ मैं, इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये आपके यूनिट टू में आएगा, इंडेमनिटी एंड गारंटी ये आपके यूनिट टू में आएगा। ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही डिफाइन है। दो अलग वर्ड्स हैं, इंडेमनिटी अलग है, गारंटी अलग है। गारंटी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, फैमिलियर है आप लोगों से। इंडेमनिटी वर्ड क्या होता है, किसी ने सुना है कभी इंडेमनिटी वर्ड? की ये भी न्यू है आप लोगों के लिए। देखो इंडेमनिटी का एक सिंपल मीनिंग होता है मेकिंग समबडी सेफ। रिपीट कर रही हूं मैं, मेकिंग समबडी सेफ, सामने वाले को सेव करना। हाउ? उसको कंपनसेट करके। इंडेमनिटी एक तरीका होता है सामने वाले को कंपनसेट करने का, या फिर सामने वाले को प्रोटेक्ट करना किसी लॉस से, अगर वो कोई लॉस सफर कर रहा है तो। आ रहे समझ में? यहां तक क्लियर है मीनिंग में? यस मैम आगे अब देखो, तो इंडेमनिटी और गारंटी में सबसे पहले हम देखेंगे इंडेमनिटी। इधर देखो क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन एज इट इज लिखनी पड़ेगी ना एग्जाम में, याद रखना। सेक्शन 124 बोलता है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू एनदर। जब एक पार्टी, मतलब दो या दो से तीन पर्सन होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को सेव करती है लॉस से, और वो लॉस उसको हुआ है किससे? प्रोमिसर से। तो जो उसको सेव कर रहा है, मेकिंग समबडी सेफ या कॉम्पनसेट कर रहा है, तो लॉस भी उसी की वजह से ही होना चाहिए। और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसका एक एग्जाम्पल देखना आप लोग। देखो दो पार्टीज होती हैं, फर्स्ट पार्टी को बोलते हैं इंडेमनीफायर और दूसरी पार्टी को बोलते हैं इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर भी वर्ड होता है। तो जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है कि यस अगर आपको कोई लॉस हुआ तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा या कॉम्पनसेट करूंगा उस लॉस से, इट मीन्स जो प्रॉमिस कर रहा है, तो जो प्रॉमिस कर रहा है वो है इंडेमनीफायर, और जिसको प्रॉमिस मिल रहा है या जो प्रोटेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा इंडेमनीफाइड, इंडेमनिटी होल्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज होती हैं? टू पार्टीज होती हैं। और इसका डेफिनेशन किसके सेक्शन में दिया है? सेक्शन 124 में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। आगे देखो, इंडेमनिटी मीन्स एन एक्ट टू कंपनसेट करना या प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द लॉस और मेकिंग गुड टू द लॉस, मतलब कुछ अच्छा करना उसके लॉस के साथ। व्हेन वन पर्सन प्रॉमिस टू अनदर पर्सन दैट इन केस अनदर पर्सन सफर फ्रॉम सम लॉस द फर्स्ट पर्सन विल कॉम्पनसेट द लॉस। किसी को डाउट है मीनिंग में कहीं पे भी? नो मैम क्लियर है? अब इसका एक एग्जाम्पल कोई ट्राई करेगा इसका एक एग्जाम्पल देने का? हाउ, कैसे, मतलब कोई कैसे हेल्प कर सकता है उसको? मैम इंश्योरेंस इंश्योरेंस है और
और कोई एग्जाम्पल सोचो इंश्योरेंस का है, और इंश्योरेंस का तो बेस्ट एग्जाम्पल होगा। हाँ बेटा बोलो मैम। और जैसे कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जिनको हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट देना ही पड़ता है भले हम लोग का उस वर्ड प्रॉफिट को हो या लॉस। डिविडेंड बोलते हैं, उस वर्ड को डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ तो अब बोलो वर्ड्स, बोलो कैसे एक्सप्लेन होगा उसको, क्या दोगे? हाउ मैम तो जैसे लॉस भी हो रहा है तो फिर भी हमें उनको वो जो उनको प्रॉमिस किए रहते हैं पर्टिकुलर अमाउंट उसको देना ही पड़ता है ना। नहीं बेटा देखो, शेयर होल्डर वाला उसमें नहीं आएगा, क्योंकि शेयर होल्डर एक तरीके से कंपनी का ओनर होता है। तो अगर कंपनी में प्रॉफिट है तो भी उसका शेयर है, और अगर लॉस है तो भी उसको लॉस बियर करना पड़ेगा। शेयर होल्डर ओनर ही होते हैं कंपनी के बेटा, वो लोग इन्वेस्टर नहीं है उसमें, वो लोग ओनर होते हैं। शेयर होल्डर वाला एग्जाम्पल इसमें नहीं बैठेगा। और कुछ ट्राई करेगा और कोई? मैम ये इंडेमनिटी किसके किसके बीच वाला है? दो पर्सन के बीच में है बेटा इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। जब दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे तो एक पर्सन को अगर लॉस होगा तो दूसरा पर्सन उस लॉस को उसको कंपनसेट करके देगा। तो कैसे? देखो मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल से। देखो पी अगर सिनेमा हॉल में जाता है और अपना टोकन लॉस्ट कर देता है अपने व्हीकल का, और आर जो कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो स्टैंड का कॉन्ट्रैक्टर है जिसने उसको क्या बोलते हैं टोकन दिया होगा उसकी गाड़ी का, तो वहां का एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, तो वो उसके साथ डील करेगा कि मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरी गाड़ी है। इन नियर फ्यूचर आप गाड़ी का नंबर नोट करो, और हम देखो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स लेने हैं इस टॉपिक पे, याद रखना। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड का उसको दिखाते हैं, वो उसका फोटो खींच के रख लेते हैं और गाड़ी का नंबर नोट करके रख लेते हैं। इन केस वो उसका नहीं हुआ तो जो कॉन्ट्रैक्टर है स्टैंड का वो पुलिस कंप्लेन कर सकता है, अगर कोई और आके उस गाड़ी को क्लेम करता है तो। रियलिटी में तो ऐसा ही होता है ना कि कुछ और होगा, बताइए। बताओ तो देखो ऐसी सिचुएशन पे जिसकी गाड़ी है वो इंडेमनीफायर है क्योंकि वो अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, और जिसको डर है कि उसके पास टोकन नहीं है, ये गाड़ी उसकी नहीं है, और नियर फ्यूचर में कोई मुझसे आके उसका क्लेम मांगेगा तो मैं क्या करूंगा, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है स्टैंड का वो हो जाएगा इंडेमनीफाइड, और जिसकी गाड़ी थी जो लेके गया अपनी गाड़ी बोल के वो था इंडेमनीफायर, प्लस उसको अपना वहां पे कुछ प्रूफ देना पड़ेगा इन नियर फ्यूचर, अगर वो उसका नहीं है तो वो उसको ढूंढ सके। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। देखो एसेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पहला एसेंशियल क्या है कि एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे फीचर्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सब इसमें क्या होने चाहिए, एप्लीकेबल होने चाहिए। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या थे, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताइए। एग्रीमेंट, टू पार्टीज, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन। तो जितने भी फीचर्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो सब इसमें आएंगे। आगे देखो, देयर मस्ट बी लॉस आइदर बाय द प्रोमिसर कंडक्ट और बाय एनी अदर पर्सन्स कंडक्ट। तो जो लॉस है वो किसकी तरफ से होगा, प्रोमिसर की तरफ से, फर्स्ट पार्टी या फिर दूसरा पर्सन। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको गाड़ी वाला, तो उसमें क्या था, कार का या उसका जो मोटर व्हीकल का था, तो लॉस किसकी वजह से होगा, उस प्रोमिसर की जो क्लेम कर रहा है अपनी गाड़ी को, सपोज वो उसका है ही नहीं तो लॉस तो उसकी तरफ से हुआ ना। तो देयर मस्ट बी लॉस आइदर बाय द प्रोमिसर्स कंडक्ट और बाय एनी अदर पर्सन। तो और बाय एनी अदर पर्सन के कंडक्ट से कैसे होगा, इसका एक एग्जांपल है
या अगर किसी ने बोला कि बी अगर बोलता है सी को कि आप इतना अमाउंट का एक्शन गारंटी लेते हैं ना अपन सामने वाले कि आप इसको दे दो ये अमाउंट, अगर ये नहीं दे पाया तो इसका कॉम्पनसेट जो बचा हुआ रहेगा वो मैं आपको पे कर दूंगा, जब हम किसी का गारंटी लेते हैं तो वो होगा और बाय एनी अदर पर्सन कंडक्ट, किसी के बोलने पे अगर हम मान जाते हैं तो। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में क्या क्या आता है बताओ, एक्सप्रेस कैसे हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बताओ, एक्सप्रेस कैसे कैसे होता है, या तो ओरल होगा या तो रिटन होगा, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है एक्सप्रेस में, बताया है मैंने। एक्सप्रेस कैसे करते हैं आप चीजों को, लिख के या बोल के करते हैं कि नहीं बताइए। यस मैम। बस वेरी सिंपल बेटा, अगर हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं उसको, या तो बोल के करते हैं या फिर हम उसको लिख के करते हैं। नेक्स्ट देखो, इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बाय नेचर। कंटिंजेंट क्या होता है बताइए, कंटिंजेंसी, मैंने इसका मीनिंग आपको बताया है एक क्लास में। इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बाय नेचर। कंटिंजेंट क्या होता है, कंटिंजेंट होता है कोई चीज जो अनसर्टेन है और फ्यूचर की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। याद आया किसी को, एक क्लास में मैंने बताया था कंटिंजेंट, जो कंटिंजेंसी वर्ड लिखा है ये देखो यहाँ पे, इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बाय नेचर, ये लास्ट वाला। तो ये जो कंटिंजेंट लिखा है, सी ओ एन टी आई एन जी ई एन टी, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसी चीजें या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर के इवेंट पे, मतलब ऐसा इवेंट जो कभी फ्यूचर पे होगा उस पे बेस है। तो वो जो एग्जाम्पल था जो अभी हमने दिया, तो उसमें क्या था, फ्यूचर इवेंट की अगर उसको पता चलता है कि ये गाड़ी किसी और की और वो खुद क्लेम करता है, तो अगर पता चलता है इट मीन्स वॉट, फ्यूचर इवेंट की बात हो रही है। आया आपको समझ में, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसमें फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो, लाइबिलिटी, जो दायित्व बोलते हैं, मतलब जो लॉस जो बियर करेगा, लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंस। लाइबिलिटी कब इसकी अराइज होती है, जब जो इंडेमनीफाइड है वो कुछ सफर करता है सम लॉस, अगर उसको लॉस नहीं है तो वो क्यों इसकी लाइबिलिटी अराइज होगी। लाइबिलिटी का मतलब कुछ पे बैक करना, अगर उसके साथ कुछ लॉस नहीं हो रहा है तो वो क्यों कोई पे बैक करेगा। तो इसका जो लाइबिलिटी है, मतलब जो फर्स्ट पर्सन, इंडेमनीफायर मतलब फर्स्ट पर्सन जो प्रॉमिस कर रहा है, उसका लाइबिलिटी कब अराइज होगा, जब सामने वाले को सच में कुछ लॉस होगा। अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में उसको कोई लॉस है ही नहीं तो सामने वाला उसको कुछ पे नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस। ये किसी ने बोला था अभी क्लास में, इंश्योरेंस, यस मैंने बोला था, बेस्ट एग्जाम्पल है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट। बट इसमें देखो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। सारे जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सब इंडेमनिटी में आएगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में क्या लिखा है देखो, कौन सा था एक्सेप्ट में बताइए आप लोग, किसको छोड़ के नहीं आएगा वो उसमें, बताओ। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के सारे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आएगा, क्लियर है। यस मैम। हाँ, कैसे क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताओ, बताओ क्यों नहीं आएगा, आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताओ क्यों इसमें लाइफ इंश्योरेंस को अलग किया होगा, सोचो कुछ तो होगा उसमें। देखो नेचर समझो ना, लाइफ इंश्योरेंस कब दिया जाता है बताओ,
नेक्स्ट देखो बेटा इसमें, ये देखो क्या लिखा है इसमें आगे, द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, जो राइट्स हैं जिसके पास इंडेमनिटी होल्डर है वो कौन से डिपेंड करता है, ऑन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 125 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कम्स इनटू प्ले व्हेन द इंडेमनिटी होल्डर इज सूड अंडर स्पेसिफिक सिचुएशन। कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी जिसमें जो इंडेमनिटी होल्डर है उसको स्यू किया जाता है, मतलब स्यू का मतलब क्या होता है बेटा, एस यू ई का मतलब क्या होता है, केस, केस करना, केस किया जाता है उसको, केस किया जाता है उसको। तो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस होंगी, बट आपके टॉपिक में हमको ये वाली सिचुएशंस नहीं पढ़ना है, हमारे को क्या पढ़ना है, सिर्फ इंडेमनीफायर की तरफ से पढ़ना है। तो देखो सेक्शन 125 क्या बोलता है, क्लेम फॉर डैमेज, क्लेम फॉर डैमेज, अगर उसको कोई डैमेज हो रहा है तो वो उसको क्या करेगा, कंपेल करेगा। इट मींस जो इंडेमनिटी होल्डर है, जो सेकंड पार्टी है, क्लेम कर सकता है किसके लिए, डैमेज के लिए। ये सब सेक्शन 125 में दिया है, जो फर्स्ट पर्सन है इंडेमनीफायर उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंडेमनीफाइड है उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है या क्या राइट्स हैं, या तो सिर्फ वो डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है, जितना भी उसको डैमेज हुआ है तो वो उसको करेगा, या फिर क्लेम फॉर कॉस्ट ऑफ सूट, मतलब जितना भी उसको कॉस्ट लग रहा है, जितना भी उसको कोर्ट केस करने में लगा, उसका जितना भी डैमेज हुआ, इवन उसने जो लॉयर को हायर किया तो वो उसका भी क्लेम कर सकता है, या फिर किसके लिए क्लेम कर सकता है वो, रिकवरी ऑफ सम पेड अंडर कंडीशंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, अगर किसी ने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है तो जितना भी उसके साथ डीलिंग हुआ है कि ये इतना हम आपको रिकवर करके देंगे, तो वो सब भी उसको रिकवरी करने का राइट है। देखो तीनों को ना मैं आप सिंगल सिंगल एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्लेम फॉर डैमेज, डैमेज में जितना उसका डैमेज हुआ है वो उसका इक्विवेलेंट तो मांग सकता है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि वो उससे पैसे डिमांड करें, अगर उसको कुछ गुड्स का डैमेज हुआ है तो वो उसके बदले में गुड्स को भी कॉम्पनसेट कर सकता है। नेक्स्ट है क्लेम फॉर कॉस्ट, अब देखो यहाँ पे कॉस्ट की बात आ रही है, पैसे की बात, और फर्स्ट वाले टॉपिक में ये जो क्लेम फॉर डैमेज था इसमें पैसे नहीं थे, तो इसमें जो उसका लॉस है वो उसको मांग सकता है, जो भी आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर गुड्स का लॉस है तो गुड्स मांगेगा, लेकिन सेकंड वाले पॉइंट में गुड्स की बात नहीं हो रही है, कॉस्ट मतलब जो उसके ऊपर केस करने के जो चार्जेस लगे, लॉयर वगैरह का फीस, तो वो कॉस्ट भी वो रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट देखो ऑल सम्स विच, इसमें रिकवरी ऑफ सम, जितना भी इंडेमनी होल्डर और इस थर्ड पॉइंट में वो इन दोनों की बात कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिला के, रिकवरी ऑफ सम मतलब वो जो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जितना उसका राइट बनता है उसका डैमेज लेने का, प्लस जो उसको फाइलिंग करने का कॉस्ट लगा वो, तो वो इन तीनों तीनों राइट्स हैं उसके पास, अब वो उसके ऊपर है कि वो ये वाले राइट को मांगता है कि सेकेंड वाले राइट को या थर्ड वाले राइट को। फर्स्ट वाले में कॉस्ट जरूरी नहीं है कि मिले, सेकेंड वाले में सिर्फ कॉस्ट की बात हो रही है, और थर्ड वाले में दोनों की बात हो रही है।